वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमारा जो टॉपिक था वो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम था। उसके अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट देखे, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग थिंग्स आ रही थी, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, जिनको हम डिकम्पोजर कहा। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जो है वो लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है। स्टूडेंट, जो आज हमने करना है वो डिकम्पोजर करना है, डिकम्पोजर और रिड्यूसर। डिकम्पोजर रिड्यूसर ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड। अब ये डिकम्पोजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं क्या करती हैं कि जब डेड मैटर हो जाता है, एनिमल्स प्लांट्स की डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कम्प्लेक्स होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर, सिंपल कंपाउंड के अंदर। द सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम सेक्रेट करती हैं इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो क्या करती है अपने में से, ये डिकम्पोजर जो होते हैं एंजाइम को सेक्रेट करती हैं उस डेड के ऊपर, और उसको गलने से जो प्लांट्स होती हैं, एनिमल्स जो होती हैं उनको गलने सड़ने में हेल्प करती हैं, और इस तरीके से उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करती हैं। आफ्टर डाइजेशन डिकम्पोजर अब्सॉर्ब द प्रोडक्ट फॉर देयर ओन यूज। जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अपने लिए इस्तेमाल, उसको अब्सॉर्ब करते हैं, इस्तेमाल करती हैं। द रिमेनिंग सब्सटेंस आर एडेड टू इन्वायरमेंट, और बकाया जो उनके अंदर सब्सटेंस होती हैं वो ज़मीन के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंगी आर दी प्रिंसिपल डिकम्पोजर ऑफ बायोस्फीयर, और इसके एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया फंजाई है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया फंजाई जो डिकम्पोजर के तौर पे काम कर रही होती हैं वो क्या करती हैं कि मुर्दा जानवरों और पौधों को गलने सड़ने में मदद देती हैं, और इस तरीके से एयर पोल्यूशन जो है यानी कि पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या करना होता है, उनकी इन डिकम्पोजर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज होती हैं, जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी होता है वो चेंज हो जाता है इनटू सिंपलस के अंदर। फिर उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो होती हैं वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है रिसाइकलिंग के अंदर ओमनीवोर्स यानी कि वो जो सारा कुछ खा लेती हैं। ठीक है, आर द कंज्यूमर डैट ईट एनिमल फ्लैश एज वेल एज प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो कौन सी आ जाएगी, एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स को भी खा लेता है, सब्जियां भी खा लेता है, गोश्त भी खा लेता है। ठीक है, इसके अलावा कौवा वगैरह जो होता है, जो है क्रो वगैरह जो है ये गोश्त भी खा लेता है, प्लांट्स भी खा लेता है, हर चीज़ खा लेता है। तो ओमनीवोर्स वो कंज्यूमर है जो कि एनिमल्स भी खा लेती हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं, यानी कि गोश्त भी खा लेते हैं और सब्जियां भी खा जाती हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स। टर्शियरी कंज्यूमर जो थे, सॉरी टर्शियरी कॉर्निवोरस जो लास्ट पे थे, कि टर्शियरी कॉर्निवोरस जिसकी एग्जाम्पल लायन थी, टाइगर थी। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स, इसको कोई दूसरा एनिमल्स नहीं खा सकता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टॉप कॉर्निवोरस, और इसलिए उनको टॉप कॉर्निवोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इससे आ गया। द मिनरल्स विच आर रिलीज बाय डिकम्पोजर आर यूज एज न्यूट्रंस बाय द प्रोड्यूसर। कहते हैं कि वो मिनरल्स जो कि इन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर होते हैं, जब उनको डिकम्पोज किया जाता है तो वो न्यूट्रंस जो होते हैं वो दोबारा ज़मीन के अंदर आ जाते हैं, और उन न्यूट्रंस को क्या कहते हैं पौधे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो ज़मीन की जरहेज़ी में, फर्टिलिटी में इजाफा कर रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पौधे जो इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से न्यूट्रंस की जो क्या होती है रिसाइकलिंग टेक प्लेस होती है। स्टूडेंट्स, ये आपका कम्प्लीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कंज्यूमर पर नोट आ जाए। ठीक है, या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या नोट आ सकता है, आपने इसको हर लिहाज से करना है। ठीक है, अगर इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं भी लिख के दे रही होती, लेकिन आप खुद बना लिया करें डिफाइंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं
और डिकम्पोज, ठीक है, ओमनिवोरस क्या होती हैं, और इंशाल्लाह ताला कल स्टूडेंट्स हम जो है फ्लो मटेरियल इन इकोसिस्टम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।